गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ चेकआउट करके द लीला गांधीनगर से, जो कि जस्ट हमारे 80 फीट ऊपर है। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो द लीला गांधीनगर है और स्टेशन है ये पहला ऐसा होटल जो स्टेशन के ऊपर बना हुआ है। 5-स्टार होटल, वो भी ऐसा वैसा होटल नहीं भाई, 5-स्टार होटल जिसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा है इसके पहले वाले वीडियो में। ये वीडियो एंड होने के बाद वो वीडियो जरूर देखना आप लोग। फिलहाल देख लो, अभी हम लोग आ गए गांधीनगर स्टेशन। पीछे हमारी ट्रेन भी खड़ी है, न्यू वंदे भारत गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल। अभी चलते हैं स्टेशन, बाकी सब कुछ बताते हैं, टोटल टिकट कितने का पड़ा, मैंने कितने में बुक किया और एक्साइटेड वंदे भारत के लिए, न्यू वंदे भारत के लिए एकदम नया वाला। चलो चलो जी, चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो ये देख लो, स्टेशन में एंटर करते ही हमारा ट्रेन हमारे सामने खड़ी है। अभी हम लोग आ गए एकदम फ्रंट में हमले लेने के लिए। अच्छा, ये वाला पार्ट का देखो एक्सीडेंट हुआ था, देख रहे हो रिपेयर किया हुआ है। और अपना जो कोच है E2 है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, तो सीट का कलर भी चेंज हो गया। ये बाय द वे अभी मैं चेयर कार में हूँ, जिसका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो 3x2 का होता है। देखो यहाँ पे 3 सीट, यहाँ पे 2 सीट। ये ऑटोमेटिक डोर, चेयर कार भी देखकर बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये बोल्ड, देखो मुई, ये बहुत अच्छा किया है। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा किया, इसको खोलो तो एक बार। ये वाला बहुत अच्छा किया ना, वाह बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। स्पेस भी हो गया, खाने का भी हो गया, सब कुछ हो गया। और कर्टन भी देखो एक बार, ब्लैकआउट टाइप का थोड़ा किया है। बाय द वे ये जो सारा डोर है ऑटोमेटिक है, ये देखो सामने जाएंगे खुल जाएगा। ओ भाई साहब, तो सीट और भी कंफर्टेबल लग रहा है इसका यार। टेबल नहीं दिया यार, टेबल मिडिल में टेबल नहीं दिया। 49.50 बेस्ट सीट मिला ये लास्ट वाला। तो ये मेरा सीट है देख लो, 49.50। और ऊपर लगेज रखने का भी काफी मस्त जगह बना हुआ है, आराम से आप अपना लगेज रखो, सब कुछ रखो। बाकी बड़ा सा एक स्क्रीन भी लगा हुआ है यहाँ पे, और एक स्क्रीन लगा हुआ है सामने की तरफ। आप कौन सा बैठे थे मेरे साथ वंदे भारत में, उसमें इसमें क्या फर्क लगा आपको? कम्फर्टेबल। ये रिक्लाइन देखो कितना वाला रिक्लाइन, कम्फर्टेबल ना, बहुत ज्यादा। लेग स्पेस तो अच्छा खासा है, मेरा पैर नहीं जा रहा देखो ना। और जो खाने का टेबल है वो इधर है ऐसे, ये पूरा एकदम फ्लाइट वाला सिस्टम मस्त है यार। लैपटॉप में काम करो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास में वो मिडिल वाला टेबल तो नहीं नहीं दिया हुआ है। हाँ, वो मिडिल वाला टेबल मिसिंग है इसमें। और ये जो है सीट रोटेट भी होता है, ये 180 डिग्री रोटेट होता है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देख रहे थे और एक दो वीडियो में भी देखा है हमने। ये देख लो भाई, ये तो पूरा हो रहा है ना, ये चीज सही है यार। अपने को अगर किसी से बात नहीं करना, घूम के उधर बैठ जाओ। हाँ भाई घुमा दो, बस कुछ नहीं, नीचे में एक लीवर दिया हुआ है, उसको प्रेस करके रखना है, आप उसके बाद घुमा दो इसको। और बाकी ठीक नीचे में आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट, यूएसबी भी मिलता है, वो प्लग इन वाला सिस्टम भी मिलता है। यहाँ पे आप अपना कुछ स्टफ वगैरह पता नहीं क्या ही रखोगे, लेकिन रख सकते हो यहाँ पे। मैं बैठा हूँ एकदम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आपको हटने का भी जरूरत नहीं, मैं आराम से मैं यहाँ बैठ गया हूँ। अगर मेरा बगल वाला जो पैसेंजर है अगर वो जाता है वॉशरूम या फिर आता है अपने सीट पे, जाओ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, आराम से बुढ़ हटो, ये करो ये करो, थोड़ा साइड दीजिए, ये कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। इतना स्पेस है भाई, देख लो बहुत स्पेस है, खासकर लेडीज लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ऊपर में ये टच लाइट मिल जाता है, बस टच करना है, और तो यही सब है अभी दिखाने के लिए। अब एक काम करते हैं, जल्दी से वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम यहाँ पे देख लो, इंडियन स्टाइल और यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल, तो दोनों ही दिखाते हैं आपको। अरे वो देखो ना, हैंड ड्रायर दिया है और स्पेस भी अच्छा खासा है भाई। तो ये है वंदे भारत का वॉशरूम, जहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक लिक्विड मिलेगा, ये ऑटोमेटिक लिक्विड सिस्टम है यहाँ पे, बोल लेते हैं भाई। ये सोप डिस्पेंसर, ये टैप, ये मैं बहुत बारी दिखा चुका हूँ, लेकिन सबसे यूनिक यहाँ पे मिला है देख लो, हैंड ड्रायर। ओ भाई, ये यहाँ पे सेवर्स पॉइंट, बाकी स्पेस बहुत अच्छा खासा है वॉशरूम में। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ आपका टच हो रहा है, नहीं तो ऐसे क्या होता है वॉशरूम में आते हैं ना, लगता है कि ये टच हो रहा है वो टच हो रहा है, ये पूरा खुला खुला टाइप का है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप अपना कपड़ा वगैरह हैंग कर सकते हो, टॉवल हैंग करने के लिए भी है। और ये इंडियन स्टाइल भी सेम है, और सबसे मेन बात है क्लीन मिरर, तो ये भी है, मिरर भी काफी क्लीन है। बाकी तो सीट तो मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत ही कम्फर्टेबल सीट है। अभी जर्नी करके हम लोग को कितना, 6 घंटे जर्नी करना है, 6 घंटे में पता लग जाएगा कि ये कितना कंफर्टेबल है कितना नहीं, बाकी देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। अभी ट्रेन पूरा खाली है, इसलिए मैं फटाफट जो भी हो रहा है सूट कर ले रहा हूँ, फिर भीड़ हो जाएगा तो अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊंगा आपको। वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने टिकट लिया है कितने में लिया है। मैंने जो टिकट बुक किया है वो गांधीनगर से बुक किया है, गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल। मैं बता दूँ पर पर्सन 2650 रुपए करके लगा, जिसमें फूड वगैरह भी इंक्लूड है, क्योंकि जब आप टिकट बुक करते हो आप में से काफी लोग पूछते हो कि मोहित भाई आप टिकट कहाँ से बुक करते हो। मैं IRCTC के ऐप से ही बुक करता हूँ। जब मैं टिकट बुक कर रहा था तब मुझे फूड
का भी ऑप्शन आया था, वेज फूड चाहिए या फिर नॉन वेज फूड। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, एक वेज और एक नॉन वेज दोनों ही चूज कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने देखा है जब भी मैंने ऐसा किया है और जितने बार भी जब वो खाना सर्व करने के लिए आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं मेरे से कि वेज चाहिए या नॉन वेज। मतलब पूछ के देते हैं, पूछ के ही देते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो चूज कर लिए हो आपको वही मिलेगा। मैंने देखा है, अब पता नहीं हर ट्रेन का, बट जितना भी मैंने ट्रेवल किया है अभी तक तो मैंने ये चीज देखा है। दो लोगों का टोटल लग गया यहाँ पे 5,295 रुपए। और बाय द वे ये मैंने नॉर्मल टिकट बुक किया है। वैसे ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका जो ट्रेन नंबर है वो है 20902। इतना इन्फॉर्मेशन मैं कभी देता नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि चलो सब कुछ मेरे सामने ही था, सोचा मैं आप लोग को भी बता दूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ आप लोगों को भी। और चेयर कार भी मेरे को देख कर कम्फर्टेबल ही लग रहा था। और बाय द वे ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे कर्टन भी है। नंबर दिखाओ कर्टन को नीचे करके। हाँ, इसको नीचे करो, पूरा नीचे कर दो। ये मतलब आप जहाँ रुकोगे ना, ये वहीं रुक जाएगा। ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा है ये। इसका यहाँ से जो डिपार्चर टाइम है वो 2:05 का है। अभी वैसे 2 बज रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 5 मिनट है, मम्मी को फोन कर देते हैं कि ट्रेन में मैं बैठ गया। तो देख लो अभी 2:04 हो रहा है। वैसे यहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। भाई देखो एग्जैक्टली 2:05 में ही डोर क्लोज हुआ। क्या हुआ? जय माता दी, जय माता दी। ट्रेन हमारा स्टेशन से निकल चुका है, और निकलते ही देख लो ट्रेन जो हमारा है लगभग 80-90 की स्पीड से चल रहा है। अभी देखते हैं इसका पहला स्टॉप कितने देर बाद आता है। और इसका जो स्टॉप है ना, ज्यादा नहीं है, गांधीनगर से ये 2:05 में निकला है, और पहला स्टॉप इसका अहमदाबाद है, जो की 2:45 में आएगा। उसके बाद आएगा वडोदरा, 3:50 में आएगा, 5:53 में आएगा सूरत, सूरत के बाद ये एक ही बार 8:15 में रुकेगा मुंबई सेंट्रल। 6 घंटे का जर्नी है गांधीनगर से, 15 मिनट का हॉल्ट है अहमदाबाद। आते ही पानी मिल गया एक और भैया, और ये आते ही देख लो रेल नीर का पानी का बोतल एक मिल गया। अभी तो भाई देखते जाओ क्या क्या मिलता है, देखते इसमें कैसा खातिरदारी करते हैं। ये देख लो सीट के नीचे बोतल होल्डर बना हुआ है। अभी देख लो हमारा ट्रेन का स्पीड जो है ये है, और अभी तो ऐसा कुछ खास दिखाने को नहीं है। तो हाँ, जब इसका पहला स्टॉप आता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो देख लो हमारा ट्रेन इतना खाली खाली दिख रहा है ना, अभी बस थोड़ी देर में आने वाला है अहमदाबाद, बस आ ही गया, और उसके बाद मैं आपको ये ट्रेन दिखाऊंगा क्या हाल होता है, पैक होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। ऐसे भजड़ मचेगा आपके। ट्रेन पहुंच चुका है अहमदाबाद जंक्शन। वैसे इसका यहाँ पे पहुंचाने का टाइम था 2:45, लेकिन ट्रेन हमारा काफी देर पीछे रुका हुआ था। वैसे यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है इसका। भाई पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि वंदे भारत का जो हॉल्ट है 15 मिनट का होता है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है खाना वगैरह सब चढ़ेगा, इसलिए इतना लंबा टाइम के लिए हॉल्ट है। 5 मिनट लेट किए थे भीड़ तो अच्छा खासा है। अरे बाप रे कितना भीड़ है देखो। बस मेरे आजू बाजू में कोई ना बैठे, कम लोग बैठे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर वो ब्लॉगिंग में उनको भी डिस्टर्ब होगा, मैं भी खुल के ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। फिर वही धीरे धीरे ऐसे ऐसे दिखाना होगा, ये खाना ये वो, और ये जो ट्रेन में ब्लॉक किए हैं वही समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है, तो बाहर चलते हैं थोड़ा। तो मैंने बताया था ना आपको खाना यहाँ पे चढ़ेगा, देखो खाना भी चढ़ रहा है यहाँ पे, और ये अपना कोच है E2, तो सामने वाला E1 है। तो अभी हमारा जो ट्रेन है ना अहमदाबाद स्टेशन में रुका हुआ है, 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, 3 बजे इसका टाइमिंग है यहाँ से निकलने का, बस 1 मिनट में यहाँ से ये ट्रेन निकलने भी वाला है। अभी यहाँ से जब ट्रेन निकलता है तो क्या आता है क्या नहीं, सबसे पहले पानी तो आया है, अभी देखते हैं उसके बाद क्या क्या आता है। ये देखो ट्रेन अपना निकल गया यहाँ से। ये जो ट्रेन है हमारा अहमदाबाद से निकल चुका है, अब इसके बाद कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग दिखता है या फिर कुछ मिलता है हमें तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा कट दिया है, मतलब आँख पे नहीं लग रहा है, एकदम सामने है और व्यू भी दिख रहा है, व्यू भी दिख रहा है। बट एक बात बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारा जो इंडियन रेलवे है इतना ज्यादा डे बाय डे अपग्रेड हो गया है। बहुत लकी हो इस साइड जो रूट में रहते हैं, आप लोगों के पास ये ऑप्शन है ट्रेन सबका, 5 घंटे में आप 500 किलोमीटर कवर कर सकते हो। बस अहमदाबाद से निकलते ही ये ट्रेन देख लो अपने स्पीड में आ गया है, ये अभी 100-120 में ही चलेगा, ये वहाँ भी स्पीड देख सकते हो। अभी जो स्पीड है देख लो 42 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉप जो है 94 किलोमीटर दूर है, कहाँ से कहाँ ये ट्रेन जा रहा है सब कुछ वो बड़े स्क्रीन में है। अच्छा हम लोग अगला बार जब गए थे वो लेफ्ट साइड में बैठ के गए थे, राइट। पहली बार मैं ये वाले रूट में राइट साइड में बैठा हूँ, इससे पहले जब मैं भी आपके साथ गया था उसके पहले भी मैं वहीं पे बैठा था। वैसे तो ट्रेन देख लो हमारा 131 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चल रहा है, और वो जो सामने में आपको पीला बोर्ड दिख रहा है ना, वो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। बाप रे ये तो 130 में चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। इतना स्पीड में चलेगा वो हाई स्पीड वाला, सोचा हम बोला 200 के ऊपर अभी लगभग 120-130 पे चल रहा है ये ट्रेन। 89 से तुरंत 110, अरे वही तो हो रहा है, ट्रेन स्लो हो रहा है, 89 हो रहा है, 90 हो रहा है, फिर 110 हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। अहमदाबाद से निकले हुए 20 मिनट हुआ, अभी 3:20 हो रहा है, खाना मिलना स्टार्ट। बस भाई दोनों वेज है,
सर अभी आपकी हो गई स्नैक्स, हो गया स्नैक्स, हो गया सूरत के बाद में आपको देंगे सूप, सूप बढ़िया, उसके बाद उसके 15-20 मिनट बाद देंगे आपको डिनर, डिनर भी देंगे और आइसक्रीम भी देंगे। ये हमें सर्व हो चुका है, हाईटी बोल रहे थे ये, इसमें मुझे मिला एक सैंडविच, ये क्या समोसा है, हाँ समोसा, आलमंड्स, यहाँ पे मिल रहा है वाघ बकरी का चाय, इंस्टेंट मसाला टी है ये, और साथ में ये क्या है, चकली, चकली, ये चकली है, साथ में एक पीनट चिक्की, वाइप्स, वेलकम ड्रिंक, कोकोनट वाटर, बहुत कुछ है यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। काम करते हैं अभी हल्का हल्का, कुछ थोड़ा मुंह चलाते हैं, मुंह चलाते क्या, पूरा रास्ता मुंह चलते हुए ही जाएगा और पता नहीं इसमें से कितना कुछ पैक भी होगा। लेकिन एक चीज है, ये सैंडविच कब से प्रोवाइड करने लगे, ये क्या कॉम्पिटिशन आ गया क्या मेरा, स्प्रेड चीज सैंडविच, ये चीज सैंडविच है, चलो ये चीज सैंडविच है, अपने सैंडविच में चीज वगैरह नहीं होता, ये डिफरेंट है। पैकिंग देख करना भाई, दिल खुश हो गया, मतलब कितने दिनों बाद ऐसा खाना पैकिंग में देख रहा हूँ। ये वाला चिक्की मैंने अभी ट्राई किया, बहुत सही लग रहा है यार, ये चाय के साथ तो मजा आ जाएगा इसको खाकर। ऐसे भी हम लोग सैंडविच देख रहे हैं, कैसा है इनका सैंडविच, ये देख लो अंदर में पूरा चीज भरा पड़ा है। बाकी यही सब है, बता दूंगा आपको कौन सा चीज बढ़िया लगा, अभी तक मैंने ये ट्राई किया है, कमाल का लग रहा है, चाय के साथ तो और अच्छा लग गया है, ये खाकर ना अच्छा टाइम पास हो जा रहा है। एक बार ये ट्राई करो तो कैसा है समोसा, बढ़िया लग रहा है। अरे धोखा हो गया, समोसा के नाम पे क्या दे दे रहे हैं ये, आलू बड़ा है क्या, आलू बड़ा है, चलो जो है भाई, हमको लगा समोसा बड़ा बड़ा दे दिया। ये सब चीज गरम खाने में ही मजा आता है। ट्रेन तो अपना चले जा रहा है और अपना जो हाई टी था वो भी कंप्लीट हो गया है, बस अभी लास्ट ये टी बचा हुआ है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो वाघ बकरी का चाय होता है ना, ये ठीक होता है यार, बाकी जो ट्रेन में सब चाय सब जो मिलता है उससे तो बेटर ही। ये अभी कोई स्टेशन है, विसाड जंक्शन, तो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया ये वसाड जंक्शन, पहला जो इसका स्टॉप है वो है वडोदरा। और एक चीज मैंने देखा, इस रूट में शताब्दी भी ऐसा है, तेजस तो खैर है ही वो, जिसमें मैंने दो बार वीडियो बनाया हुआ है, और अभी ये नया आ गया वंदे भारत, फिर भी यार भीड़ है, इसमें पूछने वाला बात है यार, जबकि आज क्या है, मंडे है ना, आज ट्यूजडे है, वीक डे है, नॉर्मल डे है। टाइम देख लो कितना हो रहा है, अभी 4 बज रहा है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा। ये हमारा दूसरा स्टॉप है गांधीनगर के बाद, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन इधर नहीं है, इस वाले साइड। अभी टाइम हो रहा है 5:24, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत, वैसे इस स्टेशन में इसका पहुंचाने का टाइम था 5:23 का, बस एक मिनट लेट है, और यहाँ पे जो इसका हॉल्ट है वो 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ भी लग रहा है भीड़ होगा, स्टेशन लेफ्ट साइड में टेक्सटाइल मार्केट है, पूरा टेक्सटाइल मार्केट है। हमारा जो ट्रेन है सूरत से निकल चुका है, 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे और इसके बाद इसका कोई स्टॉप ही नहीं है, अब ये डायरेक्ट ट्रेन रुकेगा मुंबई, और लास्ट जो हमारा हाईटी आया था अभी तक उसके बाद तो कुछ आया नहीं है, और कुछ आना चाहिए था। वैसे अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 6:03 हो रहा है, तभी मैं देख रहा हूँ कि हाँ सूप वगैरह सब वो दे रहे हैं, मतलब सूरत से निकलने के बाद सूप देना स्टार्ट हुआ है। अभी 128 स्पीड है, 500-600 किलोमीटर के लिए हम बोले तो परफेक्ट है वंदे भारत, 4-5 घंटा में पहुँच जाओ। कौन सा लगेगा आपको, मिक्स वेज वेजेस काफ़ी अच्छा है, पहले तो बस एक ही टाइप का सूप लेकर आते थे जो कि होता था टोमेटो, अभी 3-3 ऑप्शन भी दे रहे हैं। देख लो ये अपना अभी सूप आ चुका है, और साथ ही यहाँ पे वर्का का बटर भी है। शाम के 6 बजे मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना सूप, ये नौर का सूप है जो आप भी घर में बनाकर पी सकते हो, मैं क्या ही बताऊँ मैं अलग से, वैसे इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या क्रोसिएट या क्या बोलते हैं, जो भी है एकदम फ्रेश है यार, और इससे पहले भी जो हमें सैंडविच भी मिला था ना वो भी मैंने देखा एकदम फ्रेश था। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वापी, यहाँ तो इसका स्टॉप है नहीं, अगर तेजस रहता है तो तेजस का स्टॉप है शायद वापी में। बाहर तो नज़ारा काफी कमाल का दिख रहा है, लेकिन अभी चाहिए हम लोगों को स्लीपर क्लास, ताकि ऐसा कुछ ग्लास ना हो। अभी क्या हो रहा है ना, ग्लास में देख लो रिफ्लेक्शन आ रहा है, बाहर तो ऐसा कुछ दिखाने को है नहीं, और टाइम अभी कितना हुआ है देख लो, 6:30, अगर इसके बाद कुछ खाने को आता है तो दिखाऊंगा मैं। अभी अपना ब्लैक कॉफी पी रहे हैं हम लोग। चलो जी, ये आ गया है अपना डिनर यहाँ पे, अभी टाइम हुआ है 6:51, और लगभग 1 या 1.5 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। एक राइस है, दाल है, ये पता नहीं क्या है,
ये शायद कटलेरीज है, चपाती। सभी का ये जो ढक्कन है उसको हटाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि अंदर में क्या है। तो ये जैसा कि मैंने बताया आपको नॉन वेज, और ये हो गया वेज। और वेज में अभी मैं बता रहा हूँ, ये जब मैं इसका ढक्कन खोल रहा था ना, ये पनीर की सब्जी है। लग तो रहा है बहुत टेस्टी होने वाला है। ये दाल भी देखकर बढ़िया लग रहा है, और ये एक भिंडी का मतलब भजिया टाइप का कुछ है, और साथ ही यहाँ पे पराठा भी है। नॉन वेज वाले में बस सब कुछ देख लो सेम है, यहाँ पे पनीर की जगह आपको चिकन। अभी मैंने इनका ये पराठा पनीर ये दोनों ट्राई किया, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। पराठा को भी काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, और ये जो भिंडी का भजिया जैसा जो है ना, जो थोड़ा क्रिस्पी कर करके फ्राई किया गया है, ये भी बहुत सही लग रहा है खाने में। मैं ये पनीर को राइस के साथ भी ट्राई किया, बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया है? पनीर का सब्जी ही काफी अच्छा बनाया गया है, इसलिए काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ नॉन वेज में चिकन का, तो ये कैसा लगा? चिकन एकदम फ्रेश है, ग्रेवी भी बहुत अच्छा है, चिकन एकदम फ्रेश है, लास्ट टाइम जैसा नहीं। दाल भी तो बहुत मतलब बहुत गाढ़ा है दाल, दाल तो देख के पता चल रहा होगा कि मसाला है। सबसे पहला चीज, ट्रेन तो एकदम मस्त चले जा रहा है अपना, 110-120, ये मेरे को काफी अच्छा लगा। मतलब ट्रेन अच्छा स्पीड एक मेंटेन कर रहा है। ये देख लो अपना आइसक्रीम भी आ चुका है, ये कौन सा कंपनी का है भाई, लोकल दिखना भी स्टार्ट हो गया देख लो। तो बस यही है, जर्नी तो अभी तक काफी स्मूथ चल रहा है। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मुंबई सेंट्रल, और वैसे 8:15 का टाइम था, 10 मिनट लेट है अभी हमारा ट्रेन, थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे, बस आने वाले स्टेशन। पहुंच गए हम लोग मुंबई सेंट्रल, 8:28 में पहुंचा है, अभी जस्ट पहुंचे हम लोग मुंबई सेंट्रल। टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:31। जर्नी तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला, कब हम लोग गांधीनगर से निकले, कब मुंबई सेंट्रल पहुंच गए, कुछ पता नहीं चला। अभी सबसे बड़ा दिक्कत है, अभी तक हमारा होटल कंफर्म नहीं है, देखते हैं कहाँ होटल लेते हैं कहाँ नहीं। कल रात में तो मैं वीडियो एड नहीं कर पाया, वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से निकलने के बाद। पहली बात तो जब हम लोग निकल रहे थे, दो बार हमारा चेक इन हुआ, मतलब जब भी मुंबई सेंट्रल से हम लोग आते हैं चेक इन होना मस्ट है हमारा, क्योंकि वो जो हमारा पीछे बड़ा सब बैग रहता है ना, मैंने देखा है जितने भी लोगों का उस टाइप का बैग है ना, उन्हीं लोगों का चेक इन सबसे ज्यादा होता है। वहां से हम लोग स्टेशन से बाहर आए तो देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल में जितना भी आसपास में होटल सब है, सारा होटल सोल्ड आउट था। पता नहीं अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, ये कुछ होटल मिला है क्या, होटल बलवास इंटरनेशनल। इस रूम के लिए जो पीछे आप देख रहे हो ना, एकदम नॉर्मल सा ये रूम है, ये इस रूम के लिए एक रात के लिए, वो भी कितना, कल रात के 9:30-10 बजे तक हम लोगों ने चेक इन किया, क्योंकि काफी टाइम लग गया स्टेशन में। फिर स्टेशन से निकल के हम लोग होटल खोज रहे थे, वो होटल खोजते खोजते रात का 10 बज गया। 10 बजे हम लोगों ने चेक इन किया है और 12 बजे तक का चेकआउट टाइम है। बस ये एक रात के लिए 4,000 रुपया पे कर रहा हूँ मैं, भाई बहुत महंगा है मुंबई में होटल। स्टेशन के पास इतना महंगा रहेगा ये मुझे नहीं पता था। बाकी सही था, ये कमाल का ये जर्नी था वंदे भारत का, और मेरे को लगता है शायद ये सबसे शॉर्टेस्ट वंदे भारत है अभी तक का। बाकी चलो वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो हाँ, मुंबई में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक रात का स्टे था अपना। तो आज शाम को मेरा ट्रेन है तेजस राजधानी, उससे मैं जा रहा हूँ दिल्ली, जो कि नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोग देख लोगे। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।